टीवी लेखे ने नतीजों का सीजन चल रहा है और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में आज हम देख रहे हैं कि करीब करीब 4% के आसपास से गिरावट है, क्योंकि नतीजे थोड़े से कमजोर साइड पर आए हैं। बहुत ज्यादा कमजोर नहीं, लेकिन थोड़े से कमजोर जरूर हैं। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी की प्रमोटर और MD अमीरा शाह। अमीरा, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके डीन स्वदेश पर। अमीरा, जो एक चीज हम देख रहे हैं कि मार्जिन कमजोर साइड पर थोड़ा सा आया है, आप देख रहे हैं कि सेक्टर में कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, कई सारे ऑनलाइन में ऑफलाइन बहुत सारे ऐसे प्लेयर हो गए हैं जो थोड़ा कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं पूरी सिनेरियो को, और आगे जाकर क्या आपको लगता है कि मार्जिन को मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज यही होने वाला है? एक्चुअली ये गलत फहमी है। आप देखिए तो प्री कोविड लेवल्स पे हमारी जो मार्जिन थी, EBITDA मार्जिन वाज बिटवीन 26 एंड 27%। एंड कोविड के टाइम पे, क्योंकि कोविड बिजनेस बहुत ज्यादा आया था, तो मार्जिन हैड गॉन अप टू 30%, बट दिस वाज एन अबनॉर्मल मार्जिन एंड नॉट अ नॉर्मल मार्जिन। तो आप देखिए तो ये Q2 में जो हमारी मार्जिन आई है 27% इज वेरी पॉजिटिव एंड इन लाइन विद प्री कोविड एंड एज पर एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस। तो एक्चुअली द रिजल्ट्स हैव बीन strong compared to peers and competition, and we've seen, हमने देखा है कि हमारी जो revenue है has grown 16% year on year for Q2 this year compared to last। ठीक है, अब आपसे ये भी समझना चाहेंगे, देखिए कोविड का जो स्केयर था, पूरा जो माहौल था, अब वो बदल गया। आपने अपने थोड़े से बिजनेस स्ट्रेटजी में भी चेंजेस जरूर किए थे उस समय में। इस वक्त क्या स्ट्रेटजी आपकी है और फोकस कहाँ पर आप ज्यादा कर रही हैं? हमारी जो फोकस है इट्स बेसिकली ऑन B2C बिजनेस। हम बोलते हैं कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम डॉक्टर्स को कन्विंस करते हैं कि देखिए जो हम टेस्ट देते हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं, एडवांस्ड होते हैं, हमारा क्वालिटी ग्लोबल क्वालिटी है, और आप अपने जो पेशेंट्स हैं जिनको क्रिटिकल इलनेस है, जिनको क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है और उनको टेस्टिंग की जरूरत है, तो आप उनको हमारे पास भेजिए। ऐसे ही हमारी B2C बिजनेस जो है बढ़ती जा रही है, एंड दिस इज हाउ हमारी जो ट्रस्ट है ब्रांड पे हम आगे बढ़ाते रह रहे हैं। तो ये बिजनेस, ये स्ट्रेटजी जो हमारी है वो हम करते जाएंगे, और इसमें साइंस, एक्सपर्टीज, नॉलेज सबसे महत्व चीज है, जो दूसरों को कॉपी करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। ये सिर्फ प्राइस ऑफर करने से हो नहीं जाता, क्योंकि हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं। ये एक स्ट्रेटजी होगी स्पेशलाइज्ड टेस्ट एंड B2C में। हमारी सेकेंड स्ट्रेटजी जो है इसके हम 90 न्यू लैब शुरू कर रहे हैं अगले 3 साल में एंड 1800 कलेक्शन सेंटर्स। एंड मोस्टली ये जो होंगे, ये जो लैब्स होंगे वो Tier 2, Tier 3 टाउन्स में रहेंगे, और जो 1800 सेंटर्स होंगे वो भी मेट्रोज में भी होंगे और छोटे टाउन में भी होंगे। लेकिन हम पेशेंट के ज्यादा पास जाएंगे, उनको टेक्नोलॉजी एंगेजमेंट के साथ एंगेज करेंगे, साइंटिफिक सेस बेचेंगे, और उनको अपने जब कुछ प्रॉब्लम हो लाइफ में, जब वो सच्ची बीमार पड़े, उनको कैंसर है, स्ट्रोक है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी है, तो उनको चाहिए कि उनके पास एक पैथ लैब है जो करेक्ट सही रिपोर्ट दे, और वही मेट्रोपोलिस उनको देती है। हाय अमीरा, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। नतीजों में अगर हम देखें तो आपने ये भी बताया है कि आगे चल के डिजिटल एक्सपेंशन काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी प्लान कर रही है। कुछ 3 साल के आपके आपने टारगेट्स डिफाइन किए हैं, पर जैसा कि अभिषेक भी बता रहे थे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए हैं, क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी कंपनी की डिजिटल एक्सपेंशन को लेके, कंपटीशन के से डिफरेंट क्या कुछ करने की तैयारी कर रही है मेट्रोपोलिस, उस पर आप अगर थोड़ा सा हाईलाइट दे पाएं, और साथ ही क्या कोई पर्टिकुलर एज कैप है जिस पर आप टारगेट करेंगे? क्योंकि इस बार भी देखें तो वेलनेस सेगमेंट आपका काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आया है, क्या आगे चल के भी ये पर्टिकुलर जो डिविजन है उस पर ही कंपनी का फोकस रहेगा? पैथोलॉजी में हर वक्त रहा है। आई मीन देयर आर 150,000 लैब्स इन द कंट्री, तो ये कोई नई बात तो है नहीं। ये खाली सब लोगों को लग रहा है क्योंकि उन्होंने देखा है कि न्यू कंपेटिटर्स आ रहे हैं, लेकिन ये पहले से, बहुत पहले से हो रहा है, 2012 से हो रहा है, तो ये मुझे लगता नहीं है कि नई बात है फ्रेंकली। क्या जो दो न्यू कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं वो दो तरह के हैं। एक तरह के हैं जो फार्मा कंपनीज, हॉस्पिटल चेन्स, फार्मेसी चेन्स, ये सब आ रहे हैं अंदर, और वो बेसिकली प्राइस के जाके ट्राई कर रहे हैं कि वो उनको वॉल्यूम्स और पेशेंट्स मिले। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, ऐसे बहुत कंपेटिटर्स ने ट्राई किया पहले, और वहां पे थोड़ा ज्यादा साइंस लगाने की जरूरत होती है। आप देखिए तो दूसरा टाइप ऑफ कंपेटिटर्स हेल्थ टेक,
जो आ रहे हैं बोल रहे हैं कि मैं घर आ जाऊंगा, आई विल गिव यू चीप प्राइसेस, आई विल गिव यू लो पैकेजेस। ये सब वेलनेस के लिए ठीक है, क्योंकि जो हेल्दी पेशेंट्स हैं, मतलब जो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको लगता है कि ठीक है 400-500 रुपए में एक हेल्थ चेकअप हो जाएगा, उनके लिए प्राइस इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन वो भूल जाते हैं कभी कभी कि जो चीजें बहुत चीप होती हैं वो ऑलवेज क्वालिटी की नहीं होती। और अगर हम 1,000 रुपए जाके एक मूवी पे और पॉपकॉर्न पे खर्च सकते हैं, तो हमारे हेल्थ पे हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अच्छी क्वालिटी जगह पे जाएं। और हमें हमें क्या चाहते हैं हम हेल्थ चेकअप से, हम चाहते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो तो वो मिल जाए, तो हम जाके उसको इन्वेस्टिगेट कर सके और हम ठीक हो जाए। आजकल हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद कितने लोग अपने 40s में सडनली उनको हार्ट अटैक होके वो एक्सपायर हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों जाके वो आइदर हेल्थ चेकअप करते नहीं है, मैं तो जाके कहाँ पे करते आते हैं, उनको जो है सही रिपोर्ट नहीं मिलता। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट में हेल्थ केयर में वी गो विद ट्रस्टेड ब्रांडेड नेम्स विच विल एक्चुअली हेल्प यू फाइंड कि आपके बदन में आपके बॉडी में क्या हो। मेरा जी आखिरी सवाल आपसे होगा, तो क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि जो कंपनियां 500 रुपये में 600 रुपये में पूरा एक होलिस्टिक चेकअप ऑफर कर रही हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, उन पर भरोसा नहीं कर सकते? दूसरी चीज़ आप ये बताइए कि आप चूंकि पहले से एस्टेब्लिश प्लेयर हैं, बहुत सारी ऐसी नई कंपनियां आ रही हैं तो डेफिनेटली वो नई टेक्नोलॉजी लेकर भी आ रही होंगी, तो कस्टमर रिटेंशन के लिए, नए कस्टमर जोड़ने के लिए आप डिफरेंट क्या कर रही हैं और आगे क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? ये तो टेक्नोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं है, ये जो नई कंपनीज आ रही हैं कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, कॉस्ट डिफरेंशियल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इट्स ऑल पीछे से लैब बना दिया है जहाँ पे द मशीन्स आर नॉट नेसेसरली ऑलवेज द मोस्ट एडवांस्ड। आप देखें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये बहुत होता था कि आप चाइनीज मशीन लगा दो, आप कोई लोकल मशीन लगा दो और कभी कभी टेस्ट भी नहीं करो, कभी आधा टेस्ट करो, ये तो बहुत होता है अनफॉर्चुनेटली इंडिया में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम देखें हम कहाँ पे जाके टेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो हमारी हेल्थ की रिफ्लेक्शन है। मैं नहीं कह रही हूँ कि जो लो प्राइस में करते हैं उनका क्वालिटी लो है, ये डॉक्टर्स कहते हैं, राइट? आप देखिए तो सर्वे जो हो रहा है डॉक्टर्स के साथ, आप टॉप डॉक्टर्स को देखिए, आप टॉप हॉस्पिटल्स को देखिए, तो उनको फीलिंग आती है कि देखिए ये जो बहुत कम प्राइस में कर रहे हैं उनका क्या क्वालिटी है किसी को पता नहीं। तो ये बड़ी क्वेश्चन मार्क है, आई डोंट थिंक एनीबडी इज मेकिंग एनी एलिगेशन। एंड जो कंपनीज आगे बढ़ा रही है, वॉल्यूम बढ़ा रही है, वो लॉस में भी बढ़ा रही है, राइट? वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको कंज्यूमर एक्विजिशन करना है। लेकिन कंज्यूमर एक्विजिशन करने के बाद क्या फायदा उनके लिए, क्योंकि वो जाके वो सेम कंज्यूमर के और कुछ बेचेंगे। फाइनली इफ दे हैव टू मेक प्रॉफिट, दे हैव टू गो एंड सेल समथिंग विच इज अ प्रॉफिटेबल सर्विस और प्रोडक्ट फॉर देम। तो ये तो टाइम चल रहा है, वो ऐसे चल रहा है कि जाके आप बस कंज्यूमर को अक्वायर करो, अगर रिजल्ट सही है कि नहीं सही है और बेचो। ठीक है अमीरा जी, थोड़े से वक्त की कमी है, आपको रोकना चाहेंगे, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए, लेकिन अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, इंडस्ट्री के आउटलुक को समझा और किस तरह से चीज़ें पैन आउट की हो रही हैं वो भी आपने हमसे साझा की। चलिए।